हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी मेहनत से कमाना। तो आज की जो हम कहानी नहीं कहेंगे इसको, वृत्तांत है कि ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सभी जानते होंगे, तो उनके हैं ये वृत्तांत कि उन्होंने एक बच्चे की सहायता की थी और वो उस सहायता से अपने पैरों पे खड़ा हुआ और फिर एक दिन ईश्वर विद्यासागर से मिला। तो क्या चल रहा है तो हम देखते हैं। पहला जो दृश्य है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि ईश्वर विद्यासागर जी जा रहे हैं और एक गरीब लड़का उनसे भीख मांग रहा है। लड़का, मालिक एक पैसा दे दीजिए, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? ईश्वर विद्यासागर ने कहा। दूसरा, मेरी माँ बीमार है, पिता है नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। यदि तुम्हें एक आना दो तो तुम उसका क्या करोगे? विद्यासागर ने कहा। लड़का, दो पैसे दो, माँ के पास जमा कर दूँगा, दो पैसे खाने के लिए चीज़ें लाऊँगा। विद्यासागर, यदि चार आना दूँ तो? लड़का, मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, एक पैसा देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। विद्यासागर, नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लड़का, फिर तीन आने माँ को दूंगा, एक आने को खाने पीने की चीज़ में लगाऊंगा। विद्यासागर खुश होकर, अच्छा मैं 1 रुपया देता हूँ, देखो कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना। विद्यासागर उस लड़के को 1 रुपया देकर देते हैं और एक ओर से विद्यासागर जाते हैं, दूसरी ओर से लड़का चला जाता है। उस टाइम पे 1 रुपया की कीमत बहुत होती थी। तो अब दूसरा जो वृत्तांत है वो सुनिए। अब दूसरे जो वृत्तांत में है वो 5 साल बाद की बात है, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले लड़के को पैसा दिया, अब 5 साल बाद विद्यासागर जी उसी सड़क से जा रहे हैं। दुकान पर लड़का बैठा हुआ है। लड़का विद्यासागर के पैरों में गिरकर, मालिक प्रणाम। विद्यासागर, खुशी रहो भाई, सुखी रहो। लड़का, मालिक कृपा करके आप मेरी दुकान तक चलिए। विद्यासागर, क्यों भाई, तुम कौन हो? लड़का, पहले आप चलिए तो, तब मैं बताऊंगा। विद्यासागर, अच्छा चलो। दोनों दुकान पर आते हैं। लड़का बड़े आदर से विद्यासागर को कुर्सी पर बिठाता है। विद्यासागर, हाँ भाई अब बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लड़का, मालिक थोड़ा और ठहर जाइए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, फिर बताऊंगा। विद्यासागर, अरे भाई तुम तो बड़े भगत जान पड़ते हो, अब तो बताओ क्या बात है? लड़का, मालिक आपको याद है आपसे एक दिन मैंने एक पैसा मांगा था पर आपने मुझे 1 रुपया दिया था? विद्यासागर याद करके, हाँ 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 याद आया। तो लड़का, मालिक मैंने उसमें से 1 आना अपनी माँ को दिया, 15 आने के आम खरीद कर बेचे, कुछ अधिक पैसे मिल गए, फिर मैंने और आम खरीदे और उन्हें बेच डाला, इस प्रकार करते करते कुछ दिनों में मेरे पास 50 रुपये हो गए, तब मैंने यह दुकान खोल ली, अब मैं और मेरी माँ दोनों बड़े सुख से रहते हैं। विद्यासागर खुश, वाह वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था, केवल 1 रुपये से तुमने अपने पैरों पे खड़े हो गए और भीख मांगना छोड़ दिया। लड़का, मालिक यह सब आपकी ही कृपा है। विद्यासागर, मेरी कृपा नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है, कुछ पढ़ाई भी की है? नहीं मालिक, कैसे पढ़ता? विद्यासागर, अच्छा अब तुम रोज रात्रि पाठशाला जाया करो, तुम्हें अपनी आजीविका से कमाने लगे हो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इससे तुम्हारी दुकानदारी को लाभ होगा। लड़का, आपकी बात मैं अवश्य मानूंगा, मैं आज रात से ही रात्रि पाठशाला जाया करूंगा। विद्यासागर, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर जब मिलूँगा तब अपनी पढ़ाई का हाल बताना। लड़का उनके पैर छूता है और ईश्वर विद्यासागर उससे आशीर्वाद देते हुए हैं और चले जाते हैं। अब इस वृत्तांत से आप लोगों को क्या सीख मिली कि
मेहनत करने से लोग सफलता पाते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और सफलता लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।